अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अदनान काजी आपके साथ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजाहिद कॉलोनी में। जैसा कि मैं कल आया था, वो मैंने यहाँ पर एक वीडियो शूट की थी और यहाँ पर सूर्तयाल ये थी कि यहाँ पर जब मैं इस चौरंगी पे आया था तो इस चौरंगी को तोड़ने का ऑर्डर था, क्योंकि उस वक्त तो दोपहर का टाइम था तो चौरंगी को उस वक्त ही तोड़ा गया था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की क्या सूर्तयाल है और आज यहाँ पर कितना काम हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ, ये आप देखें आज यहाँ कितना काम हुआ है। लोग अपने जो घरों के सामान हैं वो खुद अपने तोड़ रहे हैं। देखें टंकियों पे लोग चढ़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं। और एक चीज़ आपको मैं और दिखाऊं कि अभी ये भी एक रिसेंट अपना एक न्यूज़ आई है कि मज़ीद जो ऑपरेशन है मेरे ख्याल से इनका, और ये भी इनको बताया गया है कि शायद कल भी ये दोबारा आएँगे तोड़ने के लिए। मैं आपको पूरी चौरंगी घूम के दिखाता हूँ ये कि इस वक्त यहाँ की क्या सूरत हाल है। देखें लोग अपने सामान निकाल के बाहर बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं सारे। और ये देखें आप, लोग बच्चे हैं, कोई सरिया ले जा रहा है, कोई लोहा ले जा रहा है। तो मज़ीद थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आगे जा के आपको मैं एक इसका पूरा व्यू करवाता हूँ कि ये बेसिकली असल में ना ये एक सर्विस रोड है और इस सर्विस रोड को ये बहाल कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस रोड की वजह से जो उस पर अपना आप ये कह सकते हैं इंक्रोचमेंट हुई थी उसको ये ख़त्म कर रहे हैं। ये आप देखें ये सूरत हाल है, ये भाई बाहर बैठे हुए चारपाई वगैरह लेके। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आप देखें सुने में आ रहा है कि ये भी एक रूट है, इसको भी शायद ये साइड का जो लेफ्ट हैंड का एरिया है इसके में तो कुछ घर बने हुए हैं, लेकिन अभी ये आज तो खैर टाइम ख़त्म हो गया इनका, ये लोग शायद आज शायद नहीं आया ना मेरे ख्याल से, कल शाम तक इन्होंने काम किया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखिए ये है कचरा कुंडी है बेसिकली। यहाँ खैर तो कोई अपना देखिए यहाँ कुछ नहीं बना हुआ था, ये अपना जगह साफ थी। और मैं आपको एक बिल्डिंग दिखाता हूँ रेड कलर की, देखें ये सामने वाली बिल्डिंग जो है ना इसको भी गिराया जाएगा पूरा। ये देखें आप इसकी सूरत हाल देखें। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखें अभी शाम की सूरत हाल, मैं आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, वरना मैं थोड़ा सा जल्दी आता तो आपको दिखाता। देखें यहाँ पर लोग अपनी मदद, आप इनके जो घर हैं देखें, बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। ये देखें थोड़ा सा आगे चलते हैं, और ये सामने जो मस्जिद है इसको 12 रबी अव्वल की वजह से अभी रोक दिया गया है, और मैं आपको आगे दिखाता हूँ मज़ीद। अच्छा ये भी सुने में आया है कि जो अपना मज़ीद ऑपरेशन है अपना, कल शायद किसी KDA के मुलाजिम को, KMC के मुलाजिम को कल जान से मार दिया है, तो जिसकी वजह से शायद ऑपरेशन अभी 5-6 या 7 दिन के लिए रोक दिया है। ये देखें आप, देखें कहने का मकसद ये है कि रात की एक न्यूज़ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि KMC या KDA का कोई मुलाजिम है, जो बड़ा है बड़े उहदे पे था, उसको रात को 4-5 गोलियां मारी हैं और उसको रोक दिया, अपना मार दिया गया था। कि इस वजह से अभी सुने में ये आ रहा है कि तकरीबन कुछ दिनों के लिए या 7 दिन के लिए ऑपरेशन को रोक दिया है, और क्योंकि कराची के अंदर जितनी भी तजावजात हैं इनके एंटी इंक्रोचमेंट है उसको तमाम का खात्मा किया जाए। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर खुद लोग अपनी मदद आप अपना गिरा रहे हैं, ये देखें ऊपर भी आप देख सकते हैं। अच्छा देखिए अभी पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये कल भी जब मैं आया था यहाँ पर मैंने वीडियो शूट की थी, तो ये बिल्डिंग देखें आप जिस पे टावर लगा हुआ है, और ये देखें इसके ऊपर अभी बंदे चढ़े हुए हैं टावर के, जो जितने भी अपना इनके जो कंपनी वाले हैं। ये देखिए आगे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ऊपर बंदे काम कर रहे हैं। और ये कल असल में इन्होंने इनको कहा था कंपनी वालों को, पहले ही किया था अपना ऑर्डर दिया हुआ था कि आप आ जाएँ ताकि ना आपका जो टावर है उसको बचा लिया जाए। तो आप देखें मज़ीद, ये देखें ये सूरत इस वक्त की ये सूरत हाल है। और थोड़ा सा मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या आगे की क्या सूरत हाल है। ये आप देखें ये बिल्डिंग पूरी जाएगी, कुछ बिल्डिंगें इन्होंने इस तरह तोड़ी हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह तोड़ी है इन लोगों ने कि बिल्कुल आधी तोड़ दी है, ऐसे तोड़ दिए कि रिहाइश ही नहीं कर सकते अंदर। ये आप देखें लोग बाहर बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ ले कर बैठे हुए हैं। तो कम से कम 50-60 साल पुरानी ये इंक्रोचमेंट थी, ये देखें यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। ये देखें लोहा लक्कड़ सब लेके आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पर भी लोग तोड़ रहे हैं अपने घर को। तो कहने का मकसद ये है कि तकरीबन बोला ये 50-60 साल से अपना इंक्रोचमेंट थी, यहाँ पर लोग बैठे हुए थे
और वैसे तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपना ज़ियाउद्दीन जो बना हुआ है नाले पे बना हुआ है उसको भी तोड़ना चाहिए। देखिए लोग बोल रहे हैं कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो बना हुआ है सेकंड वाला जो सामने नाले पे बना हुआ है, तो जब गरीबों की बारी आ रही तो अमीरों की बारी कब आएगी? क्या ऐसा तो नहीं है ज़ियाउद्दीन वाले बहुत पैसे वाले हैं तो इसलिए वो रुक गए? तो देखिए हम मज़ीद अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या होता है आगे। ये देखिए ये है पाकिस्तान, मैं आपको दिखाता हूँ सर्कुलर रेलवे का जो रूट है जो यहाँ से लियाकताबाद जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये है वो रूट पाकिस्तान सर्कुलर रेलवे, ये देखें पटरी है आगे, मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरी लाइन साफ होगी आगे। सामने ये इकरा यूनिवर्सिटी है और ये समझे सर, ये देखें ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये पूरी पाकिस्तान रेलवे सर्कुलर रेलवे की जगह है सारी, ये पूरी साफ होगी पट्टी और ये लियाकताबाद तक ये आपका पूरा आपका रूट जा रहा है। ठीक है अपना व्यूअर्स, तो मैंने आज आपको छोटी सी वीडियो बनाई, कल की जो अपडेट थी और आज की जो अपडेट है मैंने आपको दी है, तो वो काफ़ी समझो कि इस तरह की है कि यहाँ पर अभी जो लोग काफ़ी परेशान हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे बिल आ रहे हैं, हमारे गैस के बिल भी इशू हुए हुए हैं, तो आपने हमें हमारी जगह की तोड़ी, 50 साल से आप लोग कहाँ सो रहे थे? लेकिन देखें गवर्नमेंट पाकिस्तान है, जब वो जगह पाकिस्तान की गवर्नमेंट के नक्शे के अंदर अगर लीगल है उसके ऊपर कोई भी तजावजात हुई हुई है तो उसका खात्मा होगा, चाहे वो मिनिस्टर की हो या किसी की भी हो। अभी कैफे प्याला से लेके और अपना आपके जो क्या बोलते हैं गुलबर्ग चौरंगी है यहाँ पर शादी हाल है, इसका भी नोटिस आया हुआ है, अब देखें ये कब तक टूटता है, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।